निरंतर रेडियो पर पीएलडी और द थर्ड आई प्रस्तुत करती है मेरा चश्मा मेरे रूल्स, वॉइसेस ऑफ एडोलेसेंस। ये सीरीज जूम कॉल पर हुई हमारी बातचीत का हिस्सा है, जहां मैं माधुरी और कनिका बहुत ही मजेदार एडोलेसेंट लाइफ्स, माने किशोरा अवस्था में झूल रही इन आवाजों से मिले। इस एपिसोड में मिलते हैं शुभांगिनी उर्फ शुभा से, जो कहती है, ये दिल दीवाना भी और गुस्सा भी। ये सुनकर इसमें मुस्कान, सौम्या और साइबा भी जुड़ जाते हैं। सभी ने अपनी अपनी मनमानी की, किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि तुम क्या चाहती हो। जिस तरह फुटबॉल को एक दूसरे को पास किया जाता है, मुझे भी ऐसा एहसास होने लगा कि मैं भी एक फुटबॉल की तरह हो गई हूँ, जिसे जब चाहे छत्तीसगढ़ से राजस्थान और राजस्थान से छत्तीसगढ़ भेज देते हैं। तो जितने भी मेरे कोचिंग की फीस है, बुक्स वगैरह, ड्रेस जो भी है, मेरी दीदी उठाती थी सारे खर्चे। और फिर उसकी वजह से, मतलब जो भी मैं हूँ अभी, मेरी सिस्टर की वजह से हूँ। ये पंक्तियाँ शुभा अपने खत से पढ़ रही है। एक तरफ उसके खत में बहुत गुस्सा है और दूसरी तरफ वो प्यार की बात कर रही है। गुस्सा क्योंकि उससे कोई पूछता ही नहीं कि उसे क्या चाहिए, और प्यार क्योंकि बड़ी बहन ने कुछ फैसले उसके साथ उसके पक्ष में लिए। इस गुस्सा और प्यार के पन्नों पर चलने से पहले मेरी सुई इस बात पर अटक गई कि 18-19 साल के एडोलेसेंट्स के पास इस दोनों भाव, गुस्सा और प्यार, इसको दर्शाने की जगह कहाँ है और कितनी है। तो चलो इस एपिसोड में गुस्सा और प्यार को जगह देते हैं। एक मिनट, आपका और मेरा नहीं, इस किशोरा अवस्था में जैसा शुभांगिनी, मुस्कान, साइबा और सौम्या को महसूस होता है वैसा। लगा लो इनके रेड ग्लासेस। हाँ, थोड़े अनकंफर्टेबल लग सकते हैं, पर इनके चश्मे इनके रूल्स। 18 वर्ष की शुभांगिनी उर्फ शुभा इस जूम कॉल पर केकरी राजस्थान से जुड़ी है। उसके माता पिता और भाई छत्तीसगढ़ में रहते हैं और वो उनसे अलग अपनी बहन के साथ यहाँ राजस्थान में रहती है। बैकग्राउंड में उसका कमरा दिख रहा था, जहाँ उसकी बनाई पेंटिंग्स लगी हुई थी। जब उसने खत पढ़ लिया, तब मैंने उससे पूछा कि वो छत्तीसगढ़ से राजस्थान कैसे आई और ये फुटबॉल जैसा क्यों महसूस हुआ उसे। मेरी सिस्टर रहती है पर वो अजमेर रहती है। अभी कुछ महीनों से हम अलग रहने लग गए। पहले मैं दीदी के साथ रहती थी और अब दीदी अजमेर रहते हैं और मैं केकड़ी रहती हूँ। तो अभी तो मैं एक फेलोशिप से जुड़ी हुई हूँ और मैं बस पढ़ाई कर रही हूँ। अभी मैं अकेले रहती हूँ। ये ऑफिस है महिला जन अधिकार समिति का, यहाँ पे टेक सेंटर चलता है, तो मैं यहीं पे रहती हूँ। मेरी सिस्टर है तो उनकी वजह से ही मैं अभी तक हूँ, क्योंकि एक सिचुएशन थी जब मैं 12th पास हो गई थी, तब पापा का भी था, क्योंकि मेरे भैया ने लव मैरिज की है, तो पापा का भी था कि क्या बोलते हैं, अब वो शादी कराएंगे शुभा की। मेरे भैया छोटे हैं पर उन्होंने लव मैरिज किया, कोर्ट मैरिज, पापा ने सपोर्ट किया था उनको। पर फिर सबके कहने पर पापा ने भी कहा कि अब शुभा की शादी कराएंगे, ताकि उनको लग रहा था कि बाद में आगे इसके ये भी इस तरीके का ना करे, तो इसकी भी शादी अब कराए। फिर यहाँ पे मैं आई थी कुछ ऐसे घूमने आई थी दीदी के, दीदी मेरा टेक सेंटर चलाती थी, कंप्यूटर सेंटर। फिर दीदी ने कहा था कि 1 महीने कंप्यूटर सीख लेगी, फिर उसके बाद ले जाना आप ऐसे करके। फिर पापा कॉलेज में एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं थे, फिर मैंने स्कूल पढ़ाने जाने लग गई और फिर बिना घर में बताया किसी को मैंने ओपन में एडमिशन ले लिया। शुभा ने बताया कि एडमिशन तो ले लिया और बहन का पूरा सपोर्ट भी था, पर रिश्तेदार, माँ बाप, भाई, इन सबको मनाने में काफ़ी वक्त लगा, जिसकी वजह से वो यहाँ से वहाँ होती रही। ये यहाँ से वहाँ अभी नहीं, बचपन से होता रहा है, उसने बताया। तो मेरा बचपन से सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, पर मेरे भैया ने मुझे बायो नहीं लेने दिया, क्योंकि उसके लिए मुझे, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोचिंग अवेलेबल नहीं है और टीचर्स भी इतने नहीं थे, तो मुझे बाहर जाना पड़ता कोचिंग के लिए 1-2 किलोमीटर दूर। तो भैया का था कि बाहर जाएगी, नए नए लोगों से मिलेगी, लड़कों से मिलेगी, बिगड़ जाएगी, इस तरीके का उनकी थिंकिंग थी। तो फिर उन्होंने मुझे बायो नहीं लेने दिया और मैंने कॉमर्स उनके दबाव में लिया। हालांकि मेरी मम्मी का कहना था कि पढ़ाई तुम्हें करनी है और मतलब तुम जो जो पढ़ना चाहती हो वो सब्जेक्ट लो, पर भैया ने मम्मी को धमकाते हुए कहा कि आप ही देखना जो भी होगा आगे, हम नहीं जानते ऐसे वैसे। तो फिर मैं डर गई, तो फिर उस टाइम मैंने मम्मी पे ध्यान देते हुए मैंने कॉमर्स लिया था। नहीं, ये करो, अरे ये नहीं, वो नहीं, शुभा कहती है। इससे गुस्सा नहीं आएगा तो और क्या होगा?
जो जो मैं नहीं चाहती और मेरे लिए किए जा रहे हैं, तो उन चीजों में मतलब गुस्सा आता है। अगर घर वाले मतलब जैसे एक सब्जेक्ट की बात थी, अब मुझे कौन सा पढ़ना है ये मेरा डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी और का। तो अगर उस टाइम इस तरीके का कोई लेता है तो मुझे ज्यादा गुस्सा आता है इन चीजों पे, क्योंकि वो मेरे राइट्स है। ये चीजें आगे चल के मुझे करनी है। अगर शादी की भी बात है तो लाइफ मुझे से मतलब बितानी है। मतलब वो होता है ना कि एक उम्र होती है जब मम्मी पापा या फिर फैमिली वाले नहीं होते साथ, हम खुद अकेले पड़ जाते हैं कभी, तो उस सिचुएशन के लिए मुझे तैयार होना है। ये इस तरीके की चीजें हैं, तो इन चीजों पे गुस्सा आता है मेरे को तो ज्यादा। शुभा की बात सुन के सब जूम स्क्रीन पे सिर हिलाने लगे। ये सबके लिए रिलेटेबल था। ये अचानक से बनने वाली चीज़ थोड़ी थी। बार 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 जब ऐसी सिचुएशंस रिपीट होती रहती हैं तो कभी ना कभी तो उसका रिएक्शन आएगा ना। और इसका बीज बचपन में ही तो डल जाता है, ऐसा शुभा ने बताया। हाँ, क्योंकि ना मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ ना, और आपको पता है मतलब घर पे ज्यादातर लड़कों का ही दबदबा रहता है। जो मेरी बड़ी सिस्टर है वो तो उसे नॉर्मल बात करती है, पर मेरा था कि मैं अपने भाई से बात भी नहीं करती। इतने टाइम हो गए बड़े, मैं आज भी उसके सामने बात नहीं करती। अब इसके आगे मैं बस काम से नॉर्मल बात, ऐसे कभी भी हंसी मजाक या फिर किसी तरह की चीजें बिल्कुल भी नहीं रहा। जैसे एक पड़ोसी होता है ना, जैसे कोई दूसरे लोग होते हैं, बहुत सिंसियर लोग। टीचर से भी हम कितनी मतलब सहज तरीके से बात कर सकते हैं, ये रिश्ता बिल्कुल नहीं था हमारे बीच। मतलब एक मतलब अभी भी नहीं है। अगर अब बातें होंगी ना, तो मुझे लगता है कि अब बातें झगड़े को लेके ज्यादा होंगी, क्योंकि उनका भी उनकी भी ये थिंकिंग है कि अब उनकी शादी करा है, तो अगर वो मेरे से बात करेंगे भी अब, तो वो इसी चीज को लेके बात करेंगे कि अब तुम्हारी एज हो गई, अब कितनी पढ़ाई करोगी, कितने काम करोगी, अब शादी करो। तो उस बीच अगर हो सके तो मैं उनको एक तो नॉर्मल वे में यही कहूंगी कि अभी मुझे पढ़ाई करनी है, पर वो नहीं मानेंगे। मेरे को ऐसे बोलते हैं, सीधा डांटते हैं कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अब बहुत हो गया, ऐसे वैसे ऐसे डांटते हैं ना। फिर मैं तो ऐसे ज्यादा बोलती नहीं उनके सामने, पर शायद गलती से कभी मुझे निकल जाए कि मुझे नहीं करना, ऐसे चिल्ला के भी बोल दूंगी, तो फिर उस चीज में बहस हो सकती है हमारी। पर कुछ अच्छा रिश्ता बनने का ये मुझे अभी तक दिख नहीं रहा। ऐसे रिएक्ट करना है, ये भी तो हम अपने आसपास हमारे साथ हो रहे इस बर्ताव से ही सीखते हैं ना। अब मुस्कान ने शुभा से पूछा, जब गुस्सा आता है तो तुम क्या करती हो? ज्यादातर मैं, अगर मेरे कोई सामने वाला होता है, अगर वो मुझसे नॉर्मल भी बिहेव करता है, तो मेरा बिहेवियर बहुत बिल्कुल चेंज हो जाता है, और मैं उनसे थोड़ा रूडली बिहेव करके बात करने लग जाती हूँ, जो मतलब बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं रहती। और एक होता है कभी कभी, अभी तो मैं बहुत कम कर गुस्सा करने लगी। पहले ये रहता था कि मेरे अगर हाथ में आसपास कोई चीजें रहती तो ज्यादा गुस्सा आता, तो मैं उनको तोड़ देती, या फिर मेरे हाथ में कुछ रहता तो मैं उसको फाड़ मार देती। इस तरीके का मतलब ज्यादा गुस्सा आता, मतलब बहुत इरिटेट हो जाती है, और बहुत मतलब कोई मेरे कुछ भी बोलता है ना, नॉर्मली बहुत बोल रहा है ना, मैं कहती हूँ उनको मेरे को मत बोलो, मुझे नहीं सुनना, मैं उनको आगे बोलने ही नहीं देती थी। थोड़ा बहुत कम, अगर आजकल कोई कुछ कहता है तो थोड़ा सा सुन लेती हूँ, थोड़ा सा सहन खड़े होके। पर आज भी अगर मेरी दीदी कुछ कहती है, तो फिर मैं उनका आज भी उतना नहीं है कि मैं मतलब, जो फैमिली वाले अगर कुछ कहते हैं ना, तो आज भी उनपे उसी तरीके का गुस्सा रहता है, थोड़ा सा ज्यादा रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा उन चीजों को लेके ज्यादा कहते हैं जिससे मुझे ज्यादा हर्ट होता है, तो उन चीजों पे ज्यादा बात करते हैं, तो उनके लिए मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। पर जैसे आसपास कोई लोग रहते हैं ना, उनपे कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ, मतलब बहुत कोशिश करती हूँ कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी गलती नहीं है, तो उनको मतलब मैं उनको कुछ कहने का राइट्स नहीं है मेरे पास इस तरीके का। जैसा शुभा ने कहा, ये गुस्सा करने का मतलब ये भी है ना कि वो चाहती है कि उसकी सुनी जाए, उसकी अपनी राय है, उसका अपने हिसाब से जीने का राइट है। पर अब वो अपने गुस्से पर रिफ्लेक्ट भी करती है कि क्या ये किसी पे भी निकल जाता है? क्या वो 2 मिनट रुककर सोचकर भी जवाब दे सकती है? मैंने शुभा से पूछा, क्या कोई दोस्त हैं जिनसे वो ये बातें शेयर कर सके? दोस्त मेरे पहले से बहुत कम रहे हैं, लोगों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं मेरे, आज तक ऐसे कोई फ्रेंड्स नहीं रहे, क्योंकि मैं ज्यादा किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाती। मैं खुद की बातें खुद के पास रखती हूँ, और थोड़ी देर मतलब नॉर्मल बातें, एक काम से बातें होती है, हम जैसे कोचिंग है तो थोड़ी सी देर के लिए कुछ बातें हुई, तुम कहाँ से हो, इस तरीके का नॉर्मल नॉर्मल ऊपर ऊपर की बातें। पर एक पूरे प्रॉपर फ्रेंड्स ऐसे मेरा कोई नहीं है अभी तक, मतलब वहां भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ये फ्रेंडशिप करने में इतनी दिक्कत क्यों? पहले मुस्कान ने भी बताया कि उसके दोस्त किताबें हैं, साहिबा के दोस्त पौधे हैं। अगर अपनी उम्र वाले नहीं, तो क्या आसपास किसी और से दोस्ती करना भी इतना मुश्किल था? अपनी बहन, भाई, कोई दीदी? इस पे सौम्या ने रैगिंग का एक पन्ना खोला।
क्षमता शेल्टर होम के पहले वो कई हॉस्टल्स में रह के आई थी और वहां के अनुभव को याद करके उसने ये बताया। और जहां तक मैं जानती हूँ सारे शेल्टर होम में सब जगह रैगिंग होती है, दादागिरी करने वाले लोग होते हैं, वो से सब जगह था। एक ना एक हिटलर दीदी भी होती है जो सबको स्टेबल रखती है। बोला जाता है कि एक लड़की के कंप्लेन करो तो फिर वो बाद में बहुत प्रॉब्लम देती है। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था कि मैंने लड़की की कंप्लेन की थी और मेरे साथ में फिर बुरा हो गया। इसके लिए फिर मैंने ये सब के बीच में बोलना छोड़ दिया। और मैं एक हॉस्टल में थी, उधर भी ऐसा होता था कि बड़ी लड़कियों को छोटी लड़कियां दी जाती थी, उनका स्कूल पहुंचाना, खाना खिलाना, उन बीमार पड़े तो उनको देखना, उनके क्लीनिंग रखना, ये सब। तो वो उल्टा लड़कियां बड़ी वाली छोटी लड़कियों से काम करवाती थी। इस बात पे ही मैंने बहुत बार झगड़ा किया था उधर के सिस्टर लोग से, दीदी लोग से। ऐसा तो ऐसा सब जगह था, तो मेरे को उसकी आदत ही हो गई थी। सौम्या की बात सुनकर फिर से जूम पर सबके चेहरे हिलने लगे। जैसे दोस्तियों के इतने रंग थे, अलग-अलग अनुभव थे, मैं जानती थी कि प्यार शब्द पर भी ये सब अपनी दुनिया के किसी और कोने में ही मुझे ले चलेंगे। तो मैंने पूछा, और प्यार क्या कभी कोई पसंद आया? कुछ तो ब्लश करने लगे, कुछ को लगा यहाँ कितना ही बताएंगे, पर फिर भी ये दिल दीवाना, सीने में धड़कता है ये दिल, और ये है उस दिल के कुछ अनुभव। तब भी ऐसा कुछ नहीं था, पर मेरे पास फिर कुछ टाइम बाद मेरे पास फोन आया। फिर हम धीरे धीरे मतलब सब लोगों से बातचीत करने लग गए, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट शेयर करने लग गए। मुझे बहुत सारी लड़के मतलब पसंद, मुझे लाइक मेरा एक ही मोटिव है कि अगर मैं किसी को, अगर कोई मुझसे प्यार करे ना, तो वो सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसा। प्यार को देख के दीदी ये समझती हूँ कि आजकल जो होता है प्यार खाली टाइम पास है, जो अच्छी अच्छी बातें करके पे एक दो दिन गिफ्ट देंगे या फिर कुछ और करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट छोड़ देंगे, ऐसा होता है। क्योंकि मैं भी उस टाइम मेरे को अच्छा लगता था पर मैं इस तरह से लाइक नहीं करती थी उसको। यहाँ पे उस चीजों को बहुत ही गलत तरीके से देखा जाता है, गलत समझा जाता है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी लड़कियों को मार दिया जाता है, मतलब जान से मार दिया जाता है। इस सभी मामले में अगर देखा जाता है तो मैं कर नहीं पाती, मुझे बातें ज्यादा करनी, मैंने बताया ना मैं ज्यादा किसी से बात शेयर नहीं करती, तो मैं उससे भी इतना शेयर नहीं कर पाती, तो थोड़े बोर जाता है तो फिर मैं बात नहीं करती। मतलब फोन पे तो मैंने आज तक बात नहीं की और फेस टू फेस भी कभी बात नहीं की, मैसेज पे एक दो बार बात की थी, फिर मैंने खुद से धीरे धीरे कम कर दिया क्योंकि मुझे इसके बाद लगता तो बोर हो रहा है। इसी सब चीजों को लेके, मतलब ऐसा बोलते हैं कि माँ बाप का इज्जत उछाल रही है, घर परिवार से मतलब ये कर रही है वो कर रही है, यही चीज सब चीज चीज सोच के ऐसा, मतलब ये लव लाइफ कुछ, मतलब कुछ नहीं मेरे दिमाग में आता है। बट हाँ, अच्छे फ्रेंड्स हैं, कुछ शेयर भी कर पाती हूँ उनसे, लेकिन एक जो कनेक्शन हो पाता है वो ऐसा नहीं आज तक नहीं, और शायद आगे भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि गांव से हूँ तो ये सब चीज नॉट अलाउड। मतलब बहुत अच्छा लगता है, पर एक इंसान को बहुत मन से चाहा था, पर उसको सिर्फ मेरे पास मेरे साथ टाइम पास करना था, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के रहना था। तो मैंने बोला भाई राम राम जी, पर ये कि मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ और मतलब एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हूँ जो कि मुझे हमेशा हंसाए। कहीं ये प्यार बोरिंग है, कहीं ये सिद्धार्थ मल्होत्रा की चाहना है, कहीं इससे दिमाग में हिंसा दिखाई देती है, तो कहीं लव मैरिज की भी इच्छा होती है। ये कई तरह के एडोलेसेंट प्यार की तो छवियां हैं। ये बातचीत शुभा के खत से शुरू हुई थी, तो कॉल को ख़त्म करने से पहले मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है। मेरे जो परिवार की सिचुएशन है ना, मेरे घर वालों की, मैंने आज तक जो मेरे मम्मी पापा को देखा है, तो मेरी मेरी ये सोच है कि जब तक मैं एक घर नहीं बना लूँ, मेरे हमेशा से एक सपना है कि मेरे पापा के लिए एक स्कूटी लूँ। मेरे पापा को स्कूटी चलानी नहीं आती, तो मैं उनको सिखाऊं और पहले मैं मम्मी पापा के साथ एक घर लूँ, उनके साथ रहूँ, फिर बाद में मैं शादी के बारे में सोचूं। सोचूं करूं नहीं सोचूं।
और मैं चाहती हूँ कि मेरा खुद का एक सेंटर हो जहाँ पे मेरी दीदी जो एक जेंडर की क्लास ले और पूरे एक जो यौनिकता पे क्लासेज है जो हम जिस तरीके से यहाँ पे सेंटर पे चलाते हैं इस संस्था में उस तरीके के को खुद करने का उनका सपना है तो वो सेंटर मैं उनके लिए खोलूँ। और इन्हीं कई तरह की चाहतों और कल्पनाओं से बने हैं ये एडोलिसेंट लाइव्स। मुस्कान की उसके गांव समस्तीपुर में कम्युनिटी लाइब्रेरी, सौम्या का थाने में क्षमता शेल्टर होम, साइबा का खुद को खत लिखना और खुद के मन के बारे में बातें करना, शुभा का खुद से केकरी में रहना, अब ये कई सारी प्रोफाइल्स इस एडोलिसेंट लाइफ का हिस्सा है। अब इनके इतने मज़ेदार रंग बिरंगी गॉगल्स आपने लगाए रखे हैं तो इसे नीचे मत रखना। ये इस सीरीज का आखिरी एपिसोड था। ऐसी कई आवाजें लाते रहेंगे निरंतर रेडियो पर।